नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने को तैयार है। कुछ ही घंटों के बाद साल के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो ये सूर्य ग्रहण 15 फरवरी की रात में लगेगा। अंग्रेजी में तारीख 16 हो जाएगी, यानी 16 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 12:25 से 4:17 तक ये सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और अंटार्कटिका में। इसके अलावा ये भारत में, एशिया में दृश्य नहीं होगा। अब चूंकि भारत में और एशिया में दृश्य नहीं होगा तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि जब दिखाई नहीं देगा तो प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए, ये बात जरूर है कि शास्त्र कहता है कि जहाँ पर ग्रहण नहीं दिखता वहाँ पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। इसलिए सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। मंदिरों के पट बंद करना, गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखना, भोजन न करना, आहार न करना, ऐसी तमाम चीज़ें इसमें लागू नहीं होंगी। आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है और सूर्य तो प्रभावित हो ही रहा है। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव निसंदेह पड़ेगा। अगले 15 दिनों तक इस ग्रहण का प्रभाव हम सबके ऊपर, जनजीवन के ऊपर और लोगों के ऊपर पड़ता रहेगा। ग्रहण का जो समय है रात में 12:25 से सुबह 4:17 तक का, वो ग्रहण का काल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस ग्रहण के काल में, इस ग्रहण के समय में अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं या आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रहण है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 7 के 7 ग्रह इन्वॉल्व होने हैं और 7 ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से ये ग्रहण विशेष हो गया है। तो ग्रहण काल का जो समय है रात में 12:25 से सुबह 4:17 तक का, ग्रहण शुरू होने के पहले आप स्नान कर लें या हाथ पैर धो लें, पूजा के स्थान पर बैठ जाएं और पूजा के स्थान पर बैठ के सूर्य के मंत्र का जप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है जिससे अपयश की संभावना, हड्डियों की संभावना, रोगों की समस्या, ये आपको परेशान ना करे। या किसी तरह से भी आप अगले 15 दिनों में समस्या के शिकार ना हों तो ग्रहण काल में एक तो आप सूर्य मंत्र का जप कर सकते हैं, दूसरा भगवान शिव इस सृष्टि के नियंता हैं, किसी भी तरह के प्लस माइनस से बचाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ग्रहण काल में भगवान शिव के मंत्र का जप भी होना चाहिए जो है नमः शिवाय। तो ग्रहण काल में नमः शिवाय का जप भी आपको जरूर करना है। तीसरी बात ये समझिए कि ग्रहण काल के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों को ध्यान करना आता हो उन्हें मैं बता दूं कि आप नॉर्मल दिनों में ध्यान कीजिए और ग्रहण काल में ध्यान कीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर पता चलेगा। इसलिए ग्रहण काल में ध्यान जरूर कीजिएगा, ग्रहण काल में मंत्र जप कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर से स्पष्ट कर दूं कि ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि सूर्य इससे प्रभावित हो रहा है इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव अगले एक पक्ष तक, अगले 15 दिनों तक दिखाई देगा। और इस प्रभाव में अगर कुछ बुरा हो सकता है, अगर कुछ निगेटिव होने की संभावना बनती है तो उसको रोकने के लिए आपको ग्रहण काल में भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो एस्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।